हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमलेस डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस घर को बनाने में मिस्त्री ने कितनी सारी गलतियां की हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप फ्यूचर में घर बनवाते हैं तो कैसे इन गलतियों से बच सकते हैं, साथ में ही आपको कुछ कंस्ट्रक्शन के टिप्स भी दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का सबसे पहले आपको पता चल सके। दोस्तों, ये 60 गज का कॉर्नर का हाउस है। अब आप देख सकते हैं इस कॉलम को, किस तरह मिस्त्री ने इस कॉलम की ऐसी की तैसी कर दी है। छत से 3 फीट नीचे तक का पूरा कॉलम खराब कर दिया है। उसके बराबर में पूरी दीवार फट गई है क्योंकि शटरिंग का लोड दीवार पर आ गया और प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको। ये मेन गेट है इस घर का। इस गेट के ऊपर जो बीम है उसमें ईंट घुसा दी है मिस्त्री ने, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आप इस कॉलम को ध्यान से देखिए, कॉलम और दीवार दोनों ही अलग अलग दिख रही हैं आपको। इसको सही करने के लिए आपको प्लास्टर के साथ में ही मुर्गा जाली का यूज़ करना है, उसके बाद ये सही हो जाएगा। चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्या गलती हैं वो भी दिखाते हैं आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, छत की शटरिंग के लिए कोई भी इतना सपोर्ट नहीं दिया गया है, बस कुछ ही बल्लियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए आप इस दीवार को कैसे नीचे तक क्रैक आ रहा है। अब इस कॉलम को ऊपर से नीचे तक देखिए, ये 9 इंची बाय 9 इंची का कॉलम है, स्क्वायर शेप में होना चाहिए था ये, तो ये कहीं से मोटा दिख रहा है और कहीं से पतला दिख रहा है, पूरा शेप खराब कर दिया है। इस दीवार को देखिए आप, ये रूम की दीवार है, इस पूरी दीवार पर बीम आना चाहिए था लेकिन मिस्त्री ने इसे आधी ही दीवार पर छुड़वा दिया। रूम के अंदर जाकर दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब देखिए ये किचन का एरिया है इनका। इस कॉलम को देखिए आप, किस कदर तिरछा कॉलम हो गया है ऊपर से नीचे तक, जबकि ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए था, अब ये सीधा नहीं हो पाएगा। ये जब बन रहा था तो मिस्त्री को लोहे की शटरिंग जो कॉलम में लगती है उसके बारे में बताना चाहिए था, लेकिन उसने पटलों के जुगाड़ से इस पूरे कॉलम की कास्टिंग कर दी है। चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का भी अजीब और गरीब मंजर देखने को मिलेगा आपको। अब इस छत को देखिए, इस छत की ढलाई को अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, कोई पॉन्डिंग नहीं हुई है। पॉन्डिंग आपको बता दें क्या होती है, पॉन्डिंग का मतलब होता है छत पर पानी भरा रहना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस छत के किनारों पर ये सैंड डाला हुआ है, ये इसलिए डाला हुआ है ताकि पानी रुका रहे, लेकिन ये अभी सूखा पड़ा है। और दोस्तों, पॉन्डिंग होनी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब स्लैब कास्ट होती है तो उसमें गैसेस निकलती हैं, अगर पानी नहीं होगा तो आपकी छत में क्रैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बिल्कुल ही बेकार कास्टिंग की है, स्लैब की हालत देख सकते हैं आप, इन सरियों को देख सकते हैं आप, आपस में घुसा दिए हैं, और जगह भी देखने को मिलेगा आपको ये चीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस छत की ढलाई करे हुए अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, अभी इस छत में कोई मजबूती नहीं आई है। मिस्त्री और मालिक को इतनी जल्दी काम ख़त्म करवाने की थी कि छत पर ब्रेक सैंड सब चढ़ा दिया है, इसका लोड अब छत पर पड़ेगा और छत में क्रैक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब नीचे चलते हैं हम, और कुछ मिस्टेक्स रह गई हैं उनको भी दिखाते हैं आपको। इस कॉलम को देखिए आप, इस कॉलम में सरिये दिख रहे हैं जो कि दिखने नहीं चाहिए थे। अब इस दीवार को देखिए आप, आगे पीछे दीवार हो रही है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया मालिक का।
कितना बेकार काम किया हुआ है। इन दोनों दीवारों की चिनाई देखिए आप, कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक चिनाई अलग है, दूसरी चिनाई बिल्कुल अलग है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री से काम करवाना चाहते हैं तो पहले उसका काम देख लीजिए, उसने पहले कहीं काम किया हो वो जाके देख के आइए। अगर या जैसे उसका कोई काम कहीं पे चल रहा हो तो वो जाके देखिए किस तरह से काम हो रहा है उसका, उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट दें आप उसे। और अगर आप हमसे अपने हाउस का डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं या फिर इंटीरियर का वर्क करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। हमारे पास पूरी टीम है आर्किटेक्ट की, इंजीनियर की, इंटीरियर डिज़ाइनर की, ए टू जेड सारा काम आपका बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।